अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है स्टूडेंट आपके। प्रीवियस क्लास में हमने सूरह कारिया का तर्जुमा पढ़ा था, पेज नंबर 7 निकाली है। अब आप देखिए, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। यकीनन आपने पढ़ा होगा और उसके एक्सरसाइज आप बाकायदा आप कॉपी में करेंगे। अल्फाज मायने आपको दिए हुए, दो कॉलम बनाइए, एक तरफ अरबी लिखिए, एक तरफ उसके मायने लिखते जाइए। अल कारिया के माने हैं खड़खड़ाने वाली, वमा दरा का तुम्हें क्या मालूम, कल फराश जैसे परवाने, अलमखसूस बिखरे हुए, कल एहने रंगीन ऊन, अलमनफूश धुनी हुई ऊन, सकुलत भारी मवाजीन हो जिसके पलड़े, तराजू के पलड़े होते हैं ना उसको कहते हैं, खफत हल्के ईशतिन राधिया, मन पसंद ऐश की जिंदगी, हाविया गहरी खाई और नार माने आग। अब जवाबात देखिए, मुख्तसर जवाबात लिखिए। तीन सवाल आपको दिए हुए हैं, सूरह कारिया कौन से पारे में है, उसकी कितनी आयात हैं, ये आपको पहली ही लाइन में आपको मिल जाएगा। सूरह कुरान, ये सूरह कारिया कुरान मजीद के 30वें पारे में है और इस सूरत की 11 आयात हैं। सूरह कारिया में अल्लाह ताला ने किस चीज़ का जिक्र किया है, ये देखिए, इस सूरत में अल्लाह ताला क़यामत के कायम होने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, अलकारिया यानी खड़खड़ाने वाली। अलकारिया हकीकत में क़यामत ही का दूसरा नाम है। यहाँ से यहाँ तक दूसरे सवाल का जवाब मिल गया आप लोगों को। सवाल नंबर 3 पे आइए, सूरह कारिया में अल्लाह ताला ने जहन्नुम के बारे में क्या फरमाया है। ये देखिए सेकंड पैराग्राफ पे आइए, जहन्नुम के बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वो महज एक खाई ही ना होगी बल्कि वो दहकती हुई आग से भरी हुई होगी। यानी जहन्नुम की आग एक खाई नहीं होगी बल्कि वो दहकती हुई आग से भरी हुई होगी। सही, यहाँ से कि वो महज एक खाई, 1, 2, 3 सेकंड पैराग्राफ की 3री लाइन में कि सूरह आप इस तरह से लिखेंगे कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम के बारे में ये फरमाया है कि वो महज एक खाई ही ना होगी बल्कि वो दहकती हुई आग से भरी हुई होगी। ठीक है, उसके बाद खाली जगह है और तुम्हें क्या मालूम वो खड़खड़ाने वाली क्या है, इसमें ये आएगा, जिस दिन इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे, डैश में परवाने आएगा, जिसके नेक अमाल का वज़न ज़्यादा होगा, ज़्यादा डैश में आएगा ज़्यादा, वो जन्नत में जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज है आयत और तर्जुमा, ये आपको मैच करना है, मैचिंग करेंगे इसकी, आयत लिखते जाएंगे जिस तरह सेम ऐसे एज इट इज़ आप अपने नए पेज पर उतारेंगे ये काम, नए पेज पे एक पूरे पेज पे ये काम आना चाहिए, आधा इधर और आधा इधर नहीं होना चाहिए, ताकि इसको मैच करने में आपको आसानी हो। एक तरफ आयात लिखी हुई है और दूसरी तरफ तर्जुमा, सिर्फ इसको मैच करना है आपको। सही है, आप ये पूरी डिटेल में आपको बता चुकी थी इसलिए